हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज के इस लेक्चर में बात करेंगे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ऑप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या होता है ऑप्स में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हो, लर्न टू कोड पर नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर बात करें एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, एट्रीब्यूट्स को फील्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, और मेथड्स एक तरह के फंक्शन हैं। तो अगर हम एग्जांपल समझने की कोशिश करें, हमारे पास एक मेन क्लास है, पब्लिक क्लास मेन। हम तो उसके बाद हमने क्लास के अंदर दो फील्ड्स डिक्लेयर करा है, एक इस नेम है जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और एक एज है जो इंट डेटा टाइप का है। तो ये जो दो फील्ड है, इसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट वन और एट्रीब्यूट टू। वन और टू बस नंबरिंग के लिए हम एट्रीब्यूट कहते हैं इसको। इसको हमने स्ट्रिंग डेटा से इनिशियलाइज़ कर रखा है और इसको एक इंटीजर डेटा से इनिशियलाइज़ कर सका, ठीक है। तो अगर हम इसे एक्सेस करना चाहें अपने मेन मेथड से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड से, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, इस एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस करेंगे जो एट्रीब्यूट हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले मेन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू क्लास का नाम और ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन से एंड करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग इसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए एक तो ऑब्जेक्ट का ज़रूरत होता है, दूसरा डॉट डॉट का, ठीक, डॉट डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके इज यूज टू एक्सेस एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट और जो भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, जैसे कि हमें प्रिंट कराना है, नेम प्रिंट कराना है इस एट्रीब्यूट को, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नेम, और हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं नेम को, ऑब्जेक्ट डॉट नेम से। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, राहुल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, एज प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं एज को, ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट एज जो भी एट्रीब्यूट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं। हम लोग चाहें तो एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एज को हमें 22 से 23 करना है, कैसे करेंगे, ओ बी जे डॉट एज इक्वल्स टू 23, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे ओ बी जे डॉट एज प्रिंट करेंगे तो ये क्या, ये 22 प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे मॉडिफाई कर रखा है, तो यहाँ पे 23 प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एट्रीब्यूट में फाइनल कीवर्ड सीख लगा देंगे, फाइनल यूज कर लेंगे, फाइनल स्ट्रिंग एज, ठीक है, तो हम अगर कोई भी, ये एक तरह का मॉडिफायर, हम आने वाले लेक्चर में मॉडिफायर का एक अलग टॉपिक बनाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो जब कोई फाइनल कीवर्ड अगर हम यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, वो अनचेंजेबल होता है, वो अनमोडिफिकेशनेबल होता है, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मान के चलिए हमने फाइनल इंट एज को 22 कर दिया, तो हम यहाँ पे एज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, और जब भी हम प्रिंट कराएंगे वो 22 ही प्रिंट होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक अलग टॉपिक पे हम मॉडिफायर लेक्चर करके उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब आइए मेथड के बारे में जानते हैं, देखते हैं मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, मेथड के ऊपर कैसे काम करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में, ओप्स में, ठीक है। तो मान के चले हमारे पास एक क्लास है मेन, पब्लिक क्लास मेन, और उसके अंदर हमने दो मेथड डिक्लेयर कर रखे हैं, मेथड टू, मेथड वन और मेथड टू। पहला मेथड स्टैटिक है, दूसरा पब्लिक है, तो ये भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। एक मेथड स्टैटिक, स्टैटिक वर्ड मेथड वन, इसके अंदर अगर जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये इसके अंदर क्या है, ये प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट यू हैव कॉल्ड ए स्टैटिक मेथड। जब भी हम मेथड टू को कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, यू हैव कॉल्ड ए पब्लिक मेथड। आ गए अपने मेन मेथड, मेन मेथड के अंदर हमने क्या करा है, मेथड वन को कॉल करा है, मेथड वन ये है, ठीक है। मेथड मेथड को कैसे कॉल करते हैं, मेथड अगर नॉर्मल मेथड है, जैसे कि पब्लिक या किसी एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे हमने एट्रीब्यूट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करा, ऑब्जेक्ट डॉट और मेथड का नाम और ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस, तो
तो ये पब्लिक। लेकिन स्टैटिक मेथड में ऐसा कुछ नहीं करना, अगर आपने किसी भी मेथड को स्टैटिक से डिक्लेयर कर रखा है ठीक है, तो वो आप बस मेथड का नाम लिखिए वो कॉल हो जाएगा, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये डिफरेंस है स्टैटिक मेथड और पब्लिक मेथड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ में इस पर सवाल आ जाता है। तो स्टैटिक और पब्लिक मेथड में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक मेथड में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं उसके नाम से। लेकिन पब्लिक मेथड में क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है क्लास का, और ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं और मेथड का नाम, तो इस तरह मेथड कॉल हो जाता है। प्रिंट हो जाएगा जब हम मेथड वन कॉल करेंगे तो ये मेथड वन को कॉल करेगा, और क्या प्रिंट हो जाएगा कंसोल में, यू कॉल्ड ए स्टैटिक मेथड। जब मेथड टू को कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इसके अंदर जो भी ऑपरेशन है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे यू कॉल्ड ए पब्लिक मेथड, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा एट्रीब्यूट्स और मेथड, और कैसे उसको एक्सेस करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, और कैसे उसके साथ काम करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।